तो यार देखो, जीपीयू प्राइसेस कम होते जा रही है, ये तो सबको पता है। एंड इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, बट अगर तुम उनमें से एक हो जिन्हें ग्राफिक कार्ड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है तो तुम बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। बट उससे पहले मैं बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें दो रीजंस बताए थे कि क्यों जीपीयू प्राइसेस कम होती जा रही है। एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा इस बंदे को जिसने तीसरा रीजन भी हाईलाइट किया कि कुछ जीपीयू ऐसे भी है जिन्हें माइनर्स खरीदना पसंद नहीं कर रहे हैं, लाइक MSI के वेंटर्स जिनके सीपीयू फैंस उतने अच्छे नहीं है एंड वो माइनिंग के प्रोस्पेक्टिव से उतने सूटेबल नहीं है। तो यार इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। एंड इस वीडियो को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो पहले दो GPUs जो रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गेमर्स के लिए रहेंगे। अगर तुम्हें स्ट्रीमिंग करना है तो ये इन ग्राफिक कार्ड की तरफ मत जाना, क्योंकि इसमें GPU रेंडरिंग नहीं मिलेगी। एंड इसी रीजन से ये ग्राफिक कार्ड 4-5 हज़ार रुपये सस्ते मिलेंगे अगर कंपेयर करें इसी के सिमिलर परफॉर्मेंस वाले अदर ब्रांड की। एंड पहला ग्राफिक कार्ड है RX 6400, जो कि तुम्हें GTX 1650 जैसा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। एंड ये ग्राफिक कार्ड भी DDR6 4GB VRAM के साथ आता है। एंड अब बात करें नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड की, तो वो है RX 6500 XT, जो कि तुम्हें GTX 1650 सुपर से थोड़ा बेटर परफॉर्म करके देता है। एंड ये भी तुम्हें सेम DDR6 4GB VRAM के साथ मिलेगा। एंड ये दोनों ग्राफिक कार्ड तो सिर्फ उन गेमर्स के लिए थे जो सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं, उन्हें स्ट्रीमिंग से मतलब नहीं था। बट अब जो नेक्स्ट ग्राफिक कार्ड मैं बताऊंगा उनमें तुम गेमिंग के साथ साथ स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। तो पहला ग्राफिक कार्ड है GTX 1650, जो कि तुम्हें ऑलमोस्ट 20 से 21 हज़ार के बीच काफ़ी इजिली मिल जाएगा। एंड ये भी DDR6 4GB VRAM के साथ आता है। एंड ये ग्राफिक कार्ड तुम्हें अभी तक के रिलीज्ड हर एक PC गेम्स को 1080p रिजोल्यूशन में खिलवाने के कैपेबल है। बट कुछ नए AAA गेम्स में हो सकता है तुम्हें ग्राफिक्स थोड़ा कम करना पड़े अगर तुम 60+ FPS में खेलना चाहते हो तो। एंड अब बात करें लास्ट ग्राफिक कार्ड की, तो वो है GTX 1660 Super, जो कि तुम्हें अभी तक के हर एक रिलीज्ड गेम को 1080p विथ अल्ट्रा सेटिंग्स में खिलवाने के कैपेबल है। एंड ये ग्राफिक कार्ड तुम्हें DDR6 6GB VRAM के साथ मिलता है, जो कि तुम्हें अभी के टाइम पे 25 से 26 हज़ार के बीच मिल रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर कुछ PC बिल्ड्स में इंटरेस्ट है तो इस प्लेलिस्ट को देखो। तब तक के लिए मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।